हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाउंडेशन इंजीनियरिंग। माय टुडे टॉपिक इज कांटेक्ट प्रेशर। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कांटेक्ट प्रेशर? कांटेक्ट प्रेशर क्या होता है? यस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टेक्ट प्रेशर। जनरली लोड्स फ्रॉम द स्ट्रक्चर आर ट्रांसफर टू द सॉयल थ्रू फुटिंग। अ रिएक्शन टू दिस लोड, सॉयल एग्जर्ट्स एन अपवर्ड प्रेशर ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ द फुटिंग विच इज टर्म्ड एज कॉन्टेक्ट प्रेशर। इट मीन्स जब हम लोड अप्लाई कर रहे हैं सॉयल पर, जब लोड अप्लाइड हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है थ्रू द सॉयल, थ्रू द फुटिंग, तो क्या हो रहा है? सॉयल के थ्रू, सॉयल नीचे से भी, बॉटम से भी क्या हो रहा है? सॉयल क्या कर रही है? अपवर्ड फोर्सेस रिएक्ट कर रही है, ठीक है? अपोजिट में जो अपवर्ड प्रेशर आपका जनरेट हो रहा है थ्रू सॉयल, ओके, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट प्रेशर। ओके, कॉन्टेक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर फुटिंग, दीज आर टू टाइप्स, अंडर फ्लेक्सिबल फुटिंग एंड अंडर रिजिड फुटिंग। ओके, टू टाइप से प्रेशर कॉन्टेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कॉन्टेक्ट प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज अंडर फ्लेक्सिबल फुटिंग। फ्लेक्सिबल फुटिंग का मीनिंग क्या है? फ्लेक्सिबल फुटिंग इस केस में क्या होता है, देख पा रहे हो आप लोग इस डायग्राम को? कोहेसिव सॉइल की जब मैं बात करूंगी, यहाँ पे क्या लिखा है? कोहेसिव सॉइल। ओके, कोहेसिव सॉइल के लिए क्या होता है, जो हमारा सेटलमेंट्स होता है, सेंटर पे क्या होता, क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और कॉर्नर्स पे क्या होता है, एजेस पे क्या होता है? मिनिमम होता है, फॉर कोहेसिव सॉइल की जब बात कर रहा हूँ। ओके, कॉन्टेक्ट प्रेशर कैसा होगा आपका? यूनिफॉर्मली होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ओके, तो फ्लेक्सिबल फुटिंग फॉर कोहेसिव सॉइल, सेटलमेंट्स इज मैक्सिमम एट सेंटर और मिनिमम एट द एजेस। ओके, कॉन्टेक्ट प्रेशर विल बी यूनिफॉर्मली। नेक्स्ट, दिस इज डायग्राम फॉर द क्वेश्चनलेस सॉइल। ओके, क्वेश्चनलेस सॉइल मीन्स सैंडी सॉइल। ओके, सैंडी सॉइल के केस में क्या होता है, यहाँ पर जो है आपका जो सेटलमेंट्स होगा वो मिनिमम होगा आपका जो है सेंटर पर, मैक्सिमम कहाँ पर होगा? कॉर्नर और एजेस पर। ओके, वो कॉन्टेक्ट प्रेशर कैसा होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके, कॉन्टेक्ट प्रेशर विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट सेटलमेंट इज मैक्सिमम एट कॉर्नर्स, मिनिमम एट द सेंटर। क्लियर? दिस इज फॉर द सैंडी सॉइल, यानी कि क्वेश्चनलेस। नेक्स्ट वन इज रिजिड फुटिंग। कॉन्टेक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर रिजिड फुटिंग। इस केस में क्या होता है, आपका जो सेटलमेंट्स है वो यूनिफॉर्म होता है, वो कॉन्टेक्ट प्रेशर आपका वेरी करेगा, कॉन्टेक्ट प्रेशर वेरी करेगा एट सेंटर एट एजेस। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग, कोहेसिव सॉइल की जब मैं बात कर रहा था, यहाँ पर कोहेसिव सॉइल की जब बात करूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सेटलमेंट्स क्या होगा आपका, सेटलमेंट्स तो यूनिफॉर्म होगा बट कॉन्टेक्ट प्रेशर वेरी करेगा। तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट प्रेशर एट सेंटर आप देख पा रहे हो मिनिमम होगा, एट एंड एजेस पर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्लियर? एजेस पर कॉन्टेक्ट प्रेशर क्या सा होगा? मैक्सिमम होगा, और सेंटर पे क्या होगा? मिनिमम होगा। ओके, सेटलमेंट्स कैसा होगा? यूनिफॉर्मली फॉर रिजिड फुटिंग। ओके, फॉर रिजिड फुटिंग ऑन कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल मींस क्ले सॉइल। ओके, नेक्स्ट देखिए कोहेसनलेस सॉइल। जब मैं अंडर रिजिड फुटिंग कोहेसनलेस सॉइल की बात करूं, तो इस केस में क्या होता है, इस डायग्राम को आप देखिए, इस डायग्राम में देख पा रहे हो आप लोग की सेटलमेंट्स तो यूनिफॉर्म है आपका, बट कॉन्टेक्ट प्रेशर वेरी कर रहा है सेंटर पे, क्या क्या कर रहा है, देखिए मैक्सिमम कर रहा है सेंटर पे, मैक्सिमम है, और कॉर्नर पे क्या है? मिनिमम होता है फॉर सैंडी सॉइल। तो क्लियर? सैंडी सॉइल के केस में क्या होता है, कॉन्टेक्ट प्रेशर वेरीज एट सेंटर मैक्सिमम एंड मिनिमम एट द कॉर्नर, सेटलमेंट्स विल बी यूनिफॉर्म। ओके, नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल फुटिंग्स, सेम चीज इसमें भी दे रखा है। कॉन्टेक्ट प्रेशर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल इज नियरली यूनिफॉर्म, बट सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सॉइल। ओके, दीज आर द डायग्राम्स। ओके, कॉन्टेक्ट प्रेशर इज यूनिफॉर्म, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल। रिजिड फुटिंग की मैं बात करूँ, तो रिजिड फुटिंग सेटलमेंट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल
is nearly uniform at contact pressure depends upon the soil. This is the diagram. Sandy soil and clay soil. Thank you.